नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पेट्रोल के बढ़ते भाव और प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए ई रिक्शा का चलन बढ़ा है, लेकिन जांजगीर में ई रिक्शा चलाने वालों की समस्या बढ़ गई है। जांजगीर में 40 से अधिक ई रिक्शा चालक हैं जो सवारी के लिए शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका कहना है कि डीजल व पेट्रोल ऑटो चालक इन्हें न केवल परेशान करते हैं बल्कि इन्हें कहीं पर भी सवारी के लिए इंतजार करने से भी मना करते हैं। कई बार उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिससे परेशान होकर बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक आज SP ऑफिस जांजगीर पहुंचे और उन्हें ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करने की मांग की है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। जी बताएंगे आपका क्या नाम है? नमस्ते सर, मैं रोहिणी तरन हूँ। मैं जांजगीर चांपा में जांजगीर में भी एकमात्र ऑटो चलाती हूँ, ई रिक्शा। नैला जाते हैं सवारी लेके, तो भैया लोग बदतमीजी करते हैं। ये ब्लैक काला ऑटो वाले लोग। और सर, हम लोग को भी जगह चाहिए अपने, जैसे भी दुकान दुकान के पास खड़े होते हैं तो उन लोग भी खिसको जगह भी नहीं है यहाँ ई रिक्शा खड़ा करने के लिए। तो आज आपके साथ क्या हुआ, कौन ऑटो वाला बताया? अब आज मेरे साथ एक ऑटो वाले ने बदतमीजी की, बोल रहे थे सवारी ले और चल निकल, सवारी छोड़ और चल निकल, इस टाइप का। और बैठाने भी नहीं देते हैं, जल्दी से निकल इस टाइप का बदतमीजी करते हैं, रे बे करके। क्या मांगे? हमारी मांगे बस यही है सर कि आप बस स्टैंड दिया जाए हम लोगों को भी, रिक्शा वालों को। ऐसे ऐसे दुर्रा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों के साथ। ऐसा भी तो नहीं, हमारी भी तो एक ग्रुप है, हम लोग का भी तो है भाई, हम लोग को भी तो चाहिए अपने लिए, परिवार के लिए कमा रहे हैं तो, है ना सर। अभी तक तो दो ही बार, एक बार कलेक्ट्रेट में दिए थे ज्ञापन और एक बार सर हम लोग SP ऑफिस गए थे, अभी दो बार हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं हमारी भी मांग पूरी हो और बात सुना जाए बस, और रिक्वेस्ट है बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं। और आप मांग नहीं होगी सर? मांग पूरा नहीं होगी वाली बात नहीं है सर, सुनेंगे ज़रूर, हमारी भी बातें सबकी सुनते हैं तो। और बस इतना ही सर अब। हाँ, हम लोग बैटरी ऑटो ई रिक्शा वाले हैं और जगह की मांग के लिए हम लोग 22/5 से लगातार कलेक्टर साहब, SP महोदय, SP साहब और नगर पालिका अध्यक्ष के पास जा चुके हैं, तो कोई हमारी मांग को पूरा नहीं किए हैं। और हम लोगों को डीजल पेट्रोल वाले ऑटो वाले नैला रेलवे स्टेशन में हम लोग घुसते भी नहीं हैं, उसके बाद बाहर से भी किसी सवारी को बैठा लेते हैं तो गाली गलौज करते हैं और चाबी छीन लेते हैं, किसी के मोबाइल छीन लेते हैं। और आज ही इनसे ये लड़की एकमात्र महिला ऑटो चलाती है नैला जांजगीर में, इससे भी आज बदतमीजी कर रहा था कोई ऑटो वाले, इसीलिए हम लोग SP साहब एवं कलेक्टर महोदय के पास आज आए हैं और हम अपनी मांग को पुनः रखते हैं। और आज हम लोगों की मांग है कि नैला रेलवे स्टेशन में हमें जगह दिया जाए और कचहरी चौक में, और हमारे चार्जिंग पॉइंट, बस इतना ही मांग है।